को और से कारक चिन्ह किन कारकों के हैं? को कर्म कारक और संप्रदान कारक हैं, से करण कारक और अपादान कारक हैं। संबोधित की जाने वाली संज्ञा किस कारकों में होती है? संबोधित की जाने वाली संज्ञा संबोधन कारक में होती है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित कारकों के नाम लिखिए। छत पर बंदर चढ़ गया, छत पर, तो ये अधिकरण कारक है। राघव दादी के लिए दवाई लाया, संप्रदान कारक, क्योंकि ये के लिए, किसके लिए? दादी के लिए। अरे भाई आप कब आए? अरे भाई, ये इधर संबोधन कारक है। नेहा ने कहानी लिखी, नेहा इधर कहानी लिखी है, तो ये कर्ता कारक है। यह सीना की पुस्तक है, ये किसका पुस्तक है? किसकी? सीना की, तो ये इधर संबंध कारक हुआ। उचित कारक चिन्हों से खालिस्तान भरिए। विराट पेन से लिखता है, मैं नानी के घर जा रहा हूँ। नव्या अमेरिका से वापस आ गई, तुम्हारे हाथ से गिलास गिर गया। सीनू ने बड़ा मधुर गीत गाया, पापा बाजार से फल सब्जी लाए। गलत कारक चिन्हों को ठीक करके वाक्य द्वारा द्वारा लिखिए। तुम बालक ने छोड़ दो, तुम बालक को छोड़ दो। मेरे भाई को साइकिल चोरी हो गई, मेरे भाई का साइकिल चोरी हो गई। तुम मेरे से चाय बनाकर लाओ, तुम मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। सड़क में दाएं बाएं देख लें, सड़क पर दाएं बाएं देख लें। टोकरी पर फल रखे हैं, टोकरी में फल रखे हैं। दिए गए कारक चिन्हों से वाक्य बनाएं तथा अंतर समझाइए। से ये अपादान कारक है, तो पेड़ से पत्ते गिरे, तो ये अलग होने का पता चलता है, तो ये अपादान कारक हुआ। से करण कारक, राम पेन से लिख रहा है, ये किससे लिख रहा है? पेन से लिख रहा है, तो ये काम करने का साधन है, तो इसे पता चल रहा है कि ये करण कारक है। को कर्म कारक है, श्वेता ने आइसक्रीम को खाया, इधर कर्म पर प्रभाव पड़ता है, तो ये आइसक्रीम जो है ये कर्म कारक है। को संप्रदान कारक, राजू ने गरीबों को कपड़े दिए, मतलब ये दूसरों के लिए होता है या जिसके लिए होता है वो संप्रदान कारक है, तो इधर गरीबों के लिए है या कपड़े हैं, तो इसलिए गरीब जो है ये क्या हुआ, गरीब को, तो ये संप्रदान कारक हुआ। इस कहानी में उचित कारक चिन्ह लगाकर इसे दोबारा लिखिए। चूहिया शेर मूंछ पकड़ ली, शेर चूहिया पकड़ लिया। चूहिया शेर बोली, मुझे छोड़ दो। शेर उसे खाने तैयार था, फिर शेर तरस खाकर चूहिया छोड़ दिया। तो इधर ठीक कर हम लिखें, चूहिया ने शेर का मूंछ पकड़ ली, शेर ने चूहिया को पकड़ लिया। चूहिया ने शेर को बोली, मुझे छोड़ दो। शेर उसे खाने के लिए तैयार था, फिर शेर ने तरस खाकर चूहिया को छोड़ दिया।